everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Norsec. I hope you all doing well. और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं BSc Nursing Entrance Exam 2024 के लिए. And this video is not only for AIIMS aspirants, वो बाकी सभी लोग जो अदर स्टेट गवर्नमेंट के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, लाइक आपका ABVMU है, BCEC है, RUHS राजस्थान का आपका नर्सिंग है, या फिर उत्तराखंड BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, या फिर MBBNST है. तो इस तरह जितने भी आपके BSc ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हैं जिसको देकर आप एक BSc ऑनर्स नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो एज आई टोल्ड यू कि ईच एंड एवरी स्टेप आपका जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए वहाँ पे आपको गाइड करने के लिए हमेशा मैं आपको मिलूंगी. क्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो क्लासेस अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी मेरे को जॉब भी करनी होती है, मेरी शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं, तो इतनी पॉसिबल नहीं है कि मैं क्लासेस लूँ. बट आई प्रोमिस कि मैं आपको ऐसे टेस्ट ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो ईजिली हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस के सेट्स आपको मिले, सो दैट वही क्वेश्चंस जो आपके बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस के सेट्स आपको जल्दी मिले. ठीक है, उसके लिए मैं अपनी पूरी तैयारी कर रही हूँ. ओके, अब टॉपिक पे आते हैं. टॉपिक इज कि आपको AIIMS या फिर किसी भी स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कैसे करनी है, स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ से करें, कोई कोचिंग लेनी चाहिए या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या क्या करना चाहिए. ओके, तो सबसे पहली बात है कि जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं वो सब नीट की प्रिपरेशन तो करेंगे ही. तो आप जितने भी लोग BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो आपको नीट का एग्जाम तो देना ही है. सी, नीट का एग्जाम सिर्फ आपको MBBS के एडमिशन के लिए नहीं चाहिए, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो आपको BSc नर्सिंग में जो एडमिशन है वो आपके नीट के मार्क्स के बेसिस पे देते हैं. तो फर्स्ट ऑफ थिंग तो ये है कि आपको नीट के लिए अपनी जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो जो लेवल है ना वो आपको नीट के बराबर ही रखना है, क्योंकि नीट के लेवल की प्रिपरेशन करोगे तभी आप AIIMS जैसे एंट्रेंस एग्जाम में जो BSc नर्सिंग एग्जाम होता है उसे क्लियर कर पाओगे. ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे करनी है वो देखते हैं. तो सबसे पहली चीज़ है आपको कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है. जो लोग सिर्फ BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप, मेरे पास बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाला कोचिंग कैसा है, ये वाले कैसे पढ़ाते हैं, इनका बैच ज्वाइन करूँ या ना करूँ. तो मैं पहली चीज़ बताऊँगी, कोचिंग से ज़्यादा बेटर पढ़ाई आप खुद से सेल्फ स्टडी करके कर सकते हो. और ये एग्जाम्पल मैंने खुद अपने घर के अंदर भी देखा है. मेरी जो यंगर सिस्टर है वो IIT के लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड उसने खुद से सेल्फ स्टडी करके IIT क्रैक किया है. ठीक है, IIT का एग्जाम बहुत टफ होता है, सबको पता है, JEE एडवांस देन एक एग्जाम होता है हमारा. तो कोचिंग ज्वाइन करना मैटर नहीं करता, अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तो आप इतना टफ एग्जाम, सी उसने IIT एडवांस क्लियर किया है, जो नीट का लेवल होता है वो IIT एडवांस से भी कम होता है और BSc का नीट से भी कम होता है. तो सेल्फ स्टडी करके कोचिंग ज्वाइन करना मैटर नहीं करता, क्योंकि आज के सिनेरियो में ना कोचिंग इज लाइक अ बिजनेस. मैं सबके लिए नहीं बोल रही लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है. तो बेटर ये है कि आप इधर उधर की चीज़ों में भागने से अच्छा है खुद बैठ के घर पे उसकी स्टडी करो. तो करना कैसे है, एक्चुअल में वो प्रिपरेशन होगी कैसे, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. आपके पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जब मेरे टाइम पे इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, बट अब के टाइम पे आप ना जो भी आपका थ्योरी पार्ट है, लाइक आपको फिजिक्स के चैप्टर समझ नहीं आते, आपको बायो, सी बायो में तो आई रेयरली गेस कि किसी का कोई डाउट होता होगा, लेकिन बायो को तो आपको NCERT से ही क्लियर करना है, तो उसको आपको कोई इंस्टीट्यूट वाले भी नहीं आके पढ़ा सकते, उसे आपको खुद ही पढ़ना होगा. और अगर आपको वहाँ पे कोई भी पॉइंट स्टक होता है माइंड में तो आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब पे आप अपने कोई भी डाउट अगर डालोगे ना तो आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स आ जाएंगे. अनअकैडमी ने भी बहुत सारे नीट के लेक्चर्स डाले हुए हैं, आपके PW ने भी नीट के लेक्चर्स डाले हुए हैं, तो वो सारे लेक्चर्स आप पढ़ सकते हो वहाँ से. जो भी आपको पॉइंट अगर आपका अनक्लियर है या आप कन्फ्यूज हो उस चीज़ को लेके, तो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायो का, किसी भी टॉपिक का हो, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब के चैनल्स में सर्च करना है. कोई पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं ऑनलाइन कोचिंग या कुछ भी करके, आप सिर्फ जो डाउट्स आ रहे हैं आपके वो क्लियर करो.
जितने भी आपके YouTube चैनल्स पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे आपके लेक्चर्स के ऊपर, लाइक फिजिक्स के भी बहुत सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे आपको, केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, उसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी बता दी जाएगी आपको, बायो के मिल जाएंगे, तो आप उधर से पढ़ो, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग करके एक ही चीज़ में स्टक रहोगे आप, सिर्फ उनके भरोसे बैठे रहोगे। सेल्फ स्टडी का ऐसा सिनेरियो बनाओ कि तुम्हें सेल्फ स्टडी करने को मिले और तुम खुद से सारी चीज़ें पढ़ो, खुद से ढूंढो, उसे सर्च करो, खुद से क्लियर करो, ठीक है। तो उसके लिए आपको YouTube पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको पढ़ने के लिए, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो जो भी आपका डाउट हो। वो पूरी चीज़ नहीं पढ़नी है, सिर्फ डाउट को ही क्लियर करना है। देन आपने डाउट को क्लियर कर लिया, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लाइक अभी आपके पास मान लो 1 साल का टाइम है, तो आपको 6 से 7 महीने सिर्फ और सिर्फ अपना थ्योरी क्लियर करना, अच्छे से फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसे लर्न करो, चैप्टर वाइज कितनी हो सकती है सब कुछ करो, थ्योरी पार्ट कवर करो। देन आपके जो लास्ट के 5 से 6 महीने बच जाएंगे उसमें आपको करना है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी, तो जहां पैसे खर्च करने हैं वो है आपकी टेस्ट सीरीज। तो आपको एक ज्वाइन करना है सिंपल सी टेस्ट सीरीज जिसका बेसिक जो हो ना वो बीएससी नर्सिंग हो, नीट ना हो, वो बीएससी नर्सिंग वाला जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे बेस्ड आपका टेस्ट सीरीज होना चाहिए। एट द एंड आपको लास्ट के जब 4-5 महीने होंगे तब आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और फिर टेस्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, साइड बाय साइड आपको थ्योरी भी रिवाइज करनी है, ठीक है। तो इस तरह आपको अपना प्रिपरेशन लेवल रखना है, और अगर आपने इस तरह से अपना सारा शेड्यूल सेट करके पढ़ाई की तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो। अगर आपने इस लेवल से पढ़ाई की तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही अच्छी तरह से निकाल सकते हो, और इससे अगर इसी वे में आपने पढ़ाई की तो, और अदर जो भी इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स हैं वो तो फिर इजीली क्रैक हो जाएंगे। अगर आप एम्स क्रैक कर सकते हो तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो आई होप कि मैंने जो आपको समझाया वो समझ आया हो, ठीक है, और जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो भी आपको पता चला हो कि उस एग्जाम्पल से भी आप कुछ सीख ले सकते हो, कि जरूरी नहीं है कि हम कोचिंग के पीछे ही भागे। सी कोचिंग में तुम पैसे तो दे दोगे, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, लेकिन फिर टीचर्स तुम्हारे पीछे नहीं पढ़ेंगे। अगर तुम कोचिंग ज्वाइन भी करते हो तो भी तुम्हें खुद ही पढ़ना होगा, तो बेटर है कि उधर पैसे वेस्ट करने से अच्छा है लास्ट में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे एंट्रेंस एग्जाम उतना ही अच्छा होगा आपका। तो ऑल द बेस्ट जो लोग 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और प्लीज जो जो मैं बात बोलती हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ भी वेग आपको बोल दिया है, तो प्लीज उस चीज पे फोकस करो और उसी वे में अपनी प्रिपरेशन करो, और किसी पे भी कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो कोचिंग ज्वाइन करो, बट वो भी आपको खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली कि कौन सा कोचिंग बेस्ट है, क्योंकि सी मैंने कोई कोचिंग अटेंड नहीं करी, तो मुझे नहीं पता कि आप जो भी कमेंट्स में करते हो कि ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है, तो आपको जो भी एक्सप्लोर करना है, रिव्यू लेना है, वो उनसे लो जिन्होंने वो ऑलरेडी कोचिंग ज्वाइन किए। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिर्फ अपनी थ्योरी के जितने भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उसे क्लियर करना चाहिए, और पढ़ाई खुद से ही करनी है। केमिस्ट्री और बायो तो आपके एज इट इज एनसीईआरटी से आती है, और फिजिक्स के लिए मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्मूले लर्न करके उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस बार भी एम्स में 2023 का जो एग्जाम था उसमें भी 25 to 26 क्वेश्चंस जो थे वो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड थे फिजिक्स में, और न्यूमेरिकल सभी आएंगे जब आपको फॉर्मूलेज लर्न होंगे, और उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना वो आएगा तब आपको जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से करनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।